आया तू? देखो साले साहब, इस तरीके से मुझ पर ताकत आजमाने से कुछ नहीं होने वाला। अरे क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। जानता हूं कि तुम्हारी हार हुई है, तो मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए। जाओ जाके किसी कोने में बैठो, थोड़ा रो लो, तुम्हारा थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ ऐसा ही अपने बकवास बंद कर, समझे ना? बहुत बोल लिया तुमने। रिश्ते का लिहाज कर रहा हूं। अगर तुम मेरी बहन के पति नहीं होते ना, यही तुम्हें जिंदा जला देता। अरे जाओ, क्या दिखाओगे तुम? बस बहुत हो गया वीर जी। अरे आपको शर्म नहीं आती इनपे ऊपर हाथ उठाते हुए? बहुत ताकतवर समझते हो आप अपने आप को, किसी में भी हाथ चलाओगे। लानत भेजती हूँ ऐसे भाई पे मैं। वाह वाह बहन, सब कुछ भूल गई तू? सब कुछ? कौन सी गुट्टी पिला दी है तुझे इसने? तुझे तो सब पता है ना, ये मेरे मामले में दखल है, मैं नहीं। इसका मुंह खबरदार, अगर आपने इनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे वीर जी हो। और आप मत भूलिए, ये मेरे हस्बैंड है। अरे क्या गलत कहा इन्होंने, हाँ कि अंबिका और रवि की शादी होगी? यही सच है, और ये बात कोई झुटला नहीं सकता, आप भी नहीं। और वीर जी अपनी हद में रहना। रहने दो श्वेता। अरे इस हारे हुए इंसान को क्यों समझा रही हो? क्योंकि समझाया तो उससे जाता है जो कुछ समझने की इच्छा रखता हो, मगर इसे तो कुछ समझना ही नहीं है। अरे एक घटिया इंसान जो ठहरा, दरअसल वो क्या है ना कि ये तो सब कुछ अपना हार चुका है, इसलिए पागल हो गया है, बौखला गया है। अरे दिखाओ साले साहब, तुम और क्या कर सकते हो? मैं भी तो देखूं कि तुम किस हद तक नीचे गिर सकते हो। बस करो साकेत, बस करो साकेत। अगर तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो कहीं और जाएगा। अपने भाई को समझाओ ना, हमारे मामले में दखल दे रहा है ये। तुम्हारा मामला? ये तुम्हारा मामला कहां से हो गया? जो कुछ भी हुआ है वो हमारे बीच में है, हमारी प्रॉब्लम है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ है इसे मैं, विष्णु और अंबिका सुलझा लेंगे। तो मैं तो रहूंगी, तुम यहां पर खड़े रहो आराम से। विष्णु तो विष्णु कहां गए? विष्णुत्र, मैं समझ सकता हूँ कि अभी विष्णुत पर क्या गुजर रही होगी, और आई ट्रूली अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए। अपने आप को प्लीज थोड़ा रिलैक्स रखिए विष्णुत्र। मैं जो कुछ भी हुआ वो मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ आपके साथ, लेकिन इस टाइम इस वक्त आपको थोड़ा सा अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर ना करके अगर हम अंदर चल के ये जाने की आखिर जानने की जरूरत नहीं है रवि, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये किसने किया है। अंबिका रायचंद ने, ये सब कुछ अंबिका रायचंद ने किया है, जानबूझकर सोच समझकर किया है। तो उस बंदे का नाटक करती रही मेरे साथ, झूठी हमदर्दी दिखाती रही, उसने ये सब कुछ प्लान किया है रवि, शी इज प्लान्ड एवरीथिंग। उसे क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? ये दोस्त है अंबिका, शी सेड शी वाज अ फ्रेंड एंड दिस इज व्हाट शी डज। वो जानती है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ रवि, वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम मेरे लिए क्या हो। I love you so much। उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, तुम्हें रवि जो मेरे लिए सबसे अनमोल है, कुछ इंटू ना रहा, कुछ इंटू ना। तो प्लीज। No, I can't understand it. I can't understand it. Please मेरी बात। उसे मार डालूँगी। उसे मार डालूँगी। I will kill her. एक एक करके उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरी रेपुटेशन, सब कुछ। और अब तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। मैं उन सबके बगैर रह सकती हूँ अभी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। I can't live without you. नहीं छोड़ूंगी मैं उसे रवि, I will not leave her. मैं उसे मार डालूंगी, मैं सच में कह रही हूँ तुम्हें, मैं उसे मार डालूंगी। मैं सुन रहा, मेरी बात सुन। नहीं नहीं छोड़ूंगी मैं उसे।
और इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? खुद को मेरा दोस्त कहती हो ना तुम? ये दोस्ती है तुम्हारी? अपने ही दोस्त के होने वाले पति से शादी कर ली तुमने? दोस्ती की आड़ में पहले भी बहुत बार दुश्मनी निकाल चुकी हो तुम, लेकिन इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने जो हरकत की है ना, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती, सिर्फ सजा हो सकती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? नमामि शमशाने निर्वाणे रूपम तत्र ब्रह्मवे तस्वरूपम नमे विकल्पम नि आकाश वासम भजे पुराकार संसार पारम नतो। मारूंगी, एक बार नहीं बार बार मारूंगी। कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा। कितनी हिम्मत है? How dare she? इसकी हिम्मत कैसे हुई रवि को मुझसे छीनने की? इसने रवि को मुझसे दूर कर दिया। मैंने रवि को मुझसे छीन लिया। वो जानती थी मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। I'm sure इसके दिल में रवि के लिए कुछ था। ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरी रवि के साथ शादी हो, इसलिए खुद मंडप पे आकर बैठ गई। इसने जो किया है ना, इसके लिए मैं इसे माफ नहीं करूंगी। आई विल किल हर। यही इसी मंडप में इसे मार डालूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अब हटा। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ा है मेरी बेटी की तरफ तो, और तुम होती कौन है मेरी बेटी पर ये इल्जाम लगाने वाली कि उसने तुम्हारे पति को छीना है? दूसरों की खुशियां छीनने का हक तो तुम्हारा है, और दूसरों का घर बर्बाद करना ये तुम्हारा शौक है। अगर कोई इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज है ना, तो वो हो तुम। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम में कितनी बुराइयां छिपी हैं। क्या ये सच नहीं कि तुम अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी से कुछ भी छीन सकती हो? रवि को भी तो तुमने किसी से छीना ही है ना। समझ में नहीं आया? जरा खुलकर समझाऊं तो सुनो। रवि देवी का कपति था और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन तुमने मिस निवेदिता लूथरा उन दोनों को अलग कर दिया। अब तुम ये जो रस्में रवि के साथ निभाना चाहती हो, उनके मायने जानती हो ना? जानती हो ना कि ये विधियां कितनी पवित्र होती हैं? फिर तुम अपनी ये जिद में कैसे भूल गई कि पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अनमोल होता है? हिंदू धर्म के हिसाब से पति पत्नी सात फेरे इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सात फेरे, वो वचन उन दोनों के लिए बहुत मायने रखते हैं। यही सात फेरे एक लड़का और लड़की को सात जन्मों के बंधन में बांध देते हैं। ठीक उसी तरह से रवि और देवी का भी इन्हीं सात फेरों के वचन में बंध चुके थे, लेकिन तुमने उन्हें तोड़ने की जुर्रत की। तुम जो रवि से अपनी मांग में सिंदूर भरवाना चाहती थी, गले में मंगलसूत्र बंधवाना चाहती थी, रवि देविका की मांग में वो सिंदूर ऑलरेडी भर चुका था, उसके गले में मंगलसूत्र बांध चुका था, और इसी अग्नि को साक्षी मानकर वो दोनों पति पत्नी हो चुके थे, सात जन्मों में बन चुके थे और सातों जन्म तक एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। और यही हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, और ईश्वर का इसी में आदेश है और आशीर्वाद भी। लेकिन तुमने निवेदिता ईश्वर के उसी आशीर्वाद को तोड़ने की कोशिश की, रवि को देविका से छीनने की कोशिश की। आज देखो चोर खुद कोतवाल बन रहा है, खुद गंदगी में धसी हुई हो और दूसरों पर कीचड़ उछालती हो। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए मिस निवेदिता लूथरा, सिर्फ तुम्हें।